हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कबीर, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आने वाले वीडियो में हम लोग कबीर की बात करेंगे, तो आज हम कबीर की चर्चा करने जा रहे हैं कि कबीर से किस प्रकार से यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं और कबीर किन किन चीजों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम लोग महात्मा कबीर की बात करेंगे, संत कबीरदास, संत कबीरदास के बारे में बात करेंगे। संत कबीरदास किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, इनका नाम सर्वविदित है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में संत कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इनका जन्म 1398 ईस्वी में 1398 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, संबत 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठहे जेठ सुदी बरसाइत को कबीर भान प्रकाश भय। तो कबीरदास का जन्म 1455 विक्रमी संवत को हुआ था, 1455 विक्रमी संवत को हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं विक्रमी संवत जो है, ये जो 1400 विक्रमी संवत है, 1455 है, यह किसी भी तिथि से जो आपका संवत चल रहा है उससे -57 होता है। ये कितना होता है? -57 होता है। जब इसको आप ये विक्रमी संवत में से -57 घटा देंगे तो आपको प्राप्त क्या होगा? 1398 ईस्वी प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको कहीं पर यह तिथि दिया है तो इसको प्राप्त करना है तो आप ये करेंगे, अगर ये कहीं पर दिया ईस्वी दिया है तो उसमें 57 जोड़ देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा अंतर होता है विक्रमी संवत और ईस्वी में, कितने साल का डिफरेंट रहता है? 57 साल का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो विक्रमी संवत 1398 ईस्वी में तुलसी कबीरदास का जन्म हुआ। कहां पर? बनारस में हुआ, वाराणसी में। कबीरदास का जो जन्म हुआ था ये एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कहा जाता है कि कबीरदास का जो जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ तो वह लोक लाज के भय से क्या करती है, कबीरदास को लहरताराम नामक स्थान पर क्या करती है, इनको तालाब के किनारे छोड़कर चली आती है। वहां से गुजर रहे नीरू और नीमा नामक जुलाहे थे। नीरू व नीमा नाम के जुलाहे थे, ये दंपत जुलाहे थे जिनके पास कोई भी संतान नहीं था, अर्थात इन्होंने अल्लाह का आशीर्वाद समझ करके इसे क्या करते हैं, कबीर को उठा लेते हैं, अपने घर ले जाते हैं, कबीर का पालन पोषण करते हैं। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। कबीर, ऐसा बताया जाता है कि कबीर के दो गुरु थे, हिंदू गुरु इनका जो है, हिंदू गुरु जो है इनके रामानंद थे, रामानंद। और जबकि मुसलमान गुरु जो थे, मुसलमान गुरु इनके शेख तकी थे, शेख तकी इनके जो है मुसलमान गुरु थे। कबीर के दो विवाह हुए थे, इनकी हिंदू जो पत्नी थी, हिंदू पत्नी उसका नाम था धनिया, और जो इनकी मुस्लिम पत्नी थी उसका नाम था लोई। दो पत्नियां थी। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, मस कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ, चार युगों कह महात्मा मुख ही जनाई बात। तो कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे और ये साधुओं की संगत में रहते थे और जो कुछ इनको मिल जाता था वही जोर कर गाते थे।
और यही कारण है कि इनकी कबीर की भाषा में तमाम विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो इनकी भाषा को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया, आचार्य, रामचंद्र, शुक्ल। जो है कबीर की भाषा को क्या कहते हैं, सदुक्कड़ी कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनकी भाषा को जो है पंचमेल कहते हैं। किसी ने इनकी भाषा को खिचड़ी कहा, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था कबीर। कबीर एक इन्होंने ग्रंथ लिखा, कबीर ग्रंथ में कबीर को वाणी का डिक्टेटर बता दिया, वाणी का डिक्टेटर बताया। डिक्टेटर का मतलब होता तानाशाह। कहा कि कबीर भाषा से जो चाहते थे वह कहलवा लेते थे, सीधे बना तो बना, नहीं तो दरेरा ही देकर। तो कबीर को इसीलिए भाषा का प्रकांड विद्वान माना जाता है। कविता जब ये करते थे तो कभी ये नहीं सोचते थे कि हमारी भाषा में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इन्होंने ये ध्यान दिया कि हमारी भाषा का स्वरूप वो होना चाहिए जो जनमानस को आसानी से सहजता से समझ में आ सके। यही कारण है कि इन्होंने अवधी अवधी भाषा का प्रयोग किया, मिर्जापुरी मिर्जापुरी भाषा इनमें दिखाई देती है, भोजपुरी दिखाई देती है, और उर्दू के भी शब्द मिलते हैं। उर्दू के भी शब्द इनकी भाषा में बहुतायत मिले हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कबीर की भाषा का स्वरूप इस तरह से रहा है। कबीर वाणी के डिटेक्टर रहे, तानाशाह रहे, और इन्होंने अपने हिसाब से भाषा का प्रयोग किया, और भाषा इनके अनुसार चली, ये भाषा के अनुसार चले नहीं। और इनकी भाषा पर क्योंकि घुमंतू जीवन का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा, क्योंकि ये साधुओं की संगत में रहते थे, जहां भी जो कुछ मिलता था उसी का असर इनके भाषाओं पर भी दिखाई देता। तरह तरह के जहां पर गए वहां की भाषा का स्वरूप इनके उसमें दिखाई देता है। कबीर दास के बारे में कहा जाता है कि इनका जो पुत्र था वह नालायक था, कुपुत्र था, वह अच्छा काम नहीं करता है। कबीर ने उसके बारे में कहा है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, राम नाम छोड़कर घर ले आया माल। मतलब कबीर का वंश डूबने वाला है, क्योंकि वह राम नाम का त्याग करके उनका पुत्र जो है वह जो है क्या ला रहा है, माल ले आ रहा है, अर्थात तो माया में फंस चुका है, अर्थात अब मेरा वंश डूबने वाला है। यह कह करके कबीर ने अपने वंश की अवनत पर जो है शोक भी व्यक्त किया है। कबीर की मृत्यु 1575 विक्रमी संवत को होता है। 1575 विक्रमी संवत को हो जाता है। कहा जाता है कि मगहर में उस समय हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक कल्पना फैली हुई थी कि अगर भारतीय समाज में कल्पना थी कि अगर कोई व्यक्ति बनारस में मरता, वाराणसी में मरता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अगर कोई व्यक्ति मगहर में मर जाता है तो उसका उसको नरक की प्राप्ति होती है। इस बात का खंडन करने के लिए कबीरदास जी क्या करते हैं, मगहर मर्त आजीवन काशी में रहे, मरते समय मगहर चले गए। निम्न दोहे से पता चलता है, संबद 1575 कियो मगहर गौन, माघ सुदी बरसाइत को मिल्यो पौन में पौन। अर्थात कबीरदास की मृत्यु मगहर में 1575 विक्रमी संबद को हो जाती है। कबीर लगभग 120 वर्षों तक जिए,
और ये कवि कम समाज सुधारक ज्यादा थे, तो इनके काव्य की जो विशेषताएं हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कबीर की काव्य में क्या ऐसा रहा है, किस तरह का रहस्यवाद रहा है, किस तरह का समाज सुधार रहा है, किस तरह का समाज के प्रति विद्रोह की भावना रही है, इस बात को हम कबीर की विशेषताओं में देखेंगे या इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं उस पर प्रकाश डालेंगे। तो कबीर के बारे में कहा गया है जिसे आचार्य रामचरित शुक्ल ने निर्गुण कहा और निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के निर्गुण काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों में कबीर का नाम आता है, दादू का आता है। और कबीर इस काल की जो विशेषता बताते हैं वह विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो कबीर की पहली विशेषता है निर्गुण राम की कल्पना। कबीर की काव्य की विशेष कबीर की काव्यगत विशेषताएं, काव्य की जो विशेषता है उसमें देखिए तो पहला लक्षण इसमें आता है कि राम क्या है, निर्गुण राम। इनका राम कैसा है, निर्गुण है। निर्गुण राम की कल्पना इनमें दिखाई देती है, कल्पना कैसी है, निर्गुण राम की है। राम वह है जो रमण करता है, राम वह है जो सब में रमण करता है। वह न तो छोटा देखता है न तो बड़ा देखता है, न वह हिंदू देखता है न मुसलमान देखता है। राम क्या है, निर्गुण है। चराचर जगत राम पर चल रहा है किंतु वह राम किसी के घर जन्म नहीं लिया। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी दृष्टियों से दशरथ का पुत्र राम नहीं है, राम नाम है तीनों लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा राम वह है जो दशरथ के घर जन्म नहीं लिया है, न ही उसका कोई आकार है, न रूप है, न रंग है, फिर भी वह समस्त कार्यों को करता है, ऐसा राम निर्गुण राम। राम वह है जो सब में रमण करता है, वह राम। तो कबीरदास जी का राम दशरथ के घर जन्म लेने वाला राम से अलग था। तो यह सबसे बड़ी विशेषता कबीरदास की रही है। दूसरी विशेषता इनकी है एकेश्वरवाद। एकेश्वर कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर एक है, वह निराकार है और अंतर्यामी है, वह अनंत और सर्वशक्तिमान है। हिंदुओं का ईश्वर मुसलमानों के ईश्वर से भिन्न नहीं, जो राम है वही रहीम है, जो कृष्ण है वही करीम है। कबीरदास जी कहते हैं एकेश्वरवाद। इनकी काव्य की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है, एकेश्वरवाद। एकेश्वर, एकेश्वर अर्थात ईश्वर एक है। इन्होंने कहा है कि ईश्वर एक है जो संपूर्ण सृष्टि का संचालन कर रहा है और वह किसी भी मामले में मुसलमानों के देवताओं से अलग नहीं है। जो राम है वह रहीम है, जो कृष्ण है वही करीम है। तो कबीर का ईश्वर क्या है, एक है, वो अलग नहीं। ये सबसे बड़ी विशेषता, दूसरी इनकी विशेषता। तीसरी क्या है, गुरु की, गुरु की महत्ता। गुरु की महत्ता इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है गुरु की महत्ता। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु श्रेष्ठ है क्योंकि मुझे ज्ञान देता है, और गुरु को प्राप्त करने के लिए कबीर की अनोखी विधि रही है। कहा जाता है कि कबीर ने जब रामानंद के पास जाते हैं ज्ञान के लिए, तो रामानंद क्या कहते हैं कि मैं दलित या निम्न वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा नहीं देता, और गुरु को प्राप्त करने के लिए ऐसी क्यों वदंती है। कहा जाता है कि कबीर जानते थे कि रामानंद प्रतिदिन गंगा स्नान करने गंगा की सीढ़ियों से जाते हैं, वहां पर जाकर रात में
चुपके से कबीर लेट जाते हैं, और जब रामानंद भोर में नहाने जाते हैं तो कबीर के शरीर पर उनका पैर पड़ जाता है, और कबीर पर जब उनका पैर पड़ जाता है तो कबीर चीख पड़ते हैं। इस बात से उन्होंने उन्हें उठाते हुए कहा कि हे बालक, राम राम कहो, तुम्हारा यह कष्ट दूर हो जाएगा। और उसी दिन से कबीर ने राम शब्द का प्रयोग करने लगे, और इन्होंने राम 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 कहकर गुरु को प्राप्त किया। इन्होंने कहा कि गुरु ही ऐसा है जो ईश्वर तक आपको पहुंचाता है, इसलिए गुरु को वहां तक पहुंचाओ, गुरु को प्राप्त करो किसी भी विधि से। तो इन्होंने कहा कि गुरु गोविंद से भी श्रेष्ठ है। तो इन्होंने लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे उपाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक बार किसी के घर गुरु और गोविंद एक साथ पहुंच गए, और वह बालक इस संदेह में पड़ा हुआ है कि मैं पहले गुरु का चरण छूं या बाप भगवान का, और इस बात में संदेह में पड़ा ही था। इतने में भगवान ने कहा कि गुरु श्रेष्ठ है, और पहले तुम गुरु का सम्मान करो फिर मेरा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी तीसरी इनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। अगला इनका है सत्संग और सहृदयता। सत्संग और सहृदयता, निर्गुण ज्ञानी संत सत्संग को अपना साधन और विशिष्ट अंग मानते हैं। ये कबीर की दूसरी विशेषता सत्संग और सहृदय शुद्धि है, इनकी विशेषता चौथी विशेषता है। सत संग व हृदय की शुद्धि। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सत्संग से ही हृदय की शुद्धि होती है, सत्संग के बिना हृदय शुद्ध नहीं होता है। मनुष्य को शरीर का तो श्रृंगार करना ही चाहिए, उसके अतिरिक्त अपने हृदय का भी श्रृंगार करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि तन रति करी हो मन रत करी हो पंच तत्व राति। तन रति, तन का श्रृंगार करूंगा और मन का श्रृंगार करूंगी। तन रत करी हो मन रत करी हो पंच तत्व राति। और कह रहे हैं रामदेव संग भावन ले हो धन धन भाग्य हमारे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक शरीर का श्रृंगार हो गया और मन गंदा है तब भी ईश्वर उसमें वास नहीं करेगा। अर्थात ईश्वर को वास कराना है तो उसे तन के साथ मन का भी श्रृंगार करना होगा। अर्थात मल में मन में कोई भी मैल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इनकी विशेषता। अगला है, अगली विशेषता है कबीरदास जी की, वह क्या विशेषता है? जाति पात के भेदभाव का विरोध। जात पात के भेदभाव का विरोध। कबीरदास जी समाज में फैले हुए वर्ण व्यवस्था जात व्यवस्था का विरोध करते थे। यही कारण है कि कबीर में कवि के गुण कम समाज सुधारक के गुण अधिक नजर आते हैं। जात पात का के भेदभाव को इन्होंने गलत कहा। इन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण कहता है और शूद्र अपने को शूद्र कहता है तो दोनों कैसे एक दूसरे, मतलब कैसे दोनों एक ही रक्त से बने हैं, एक ही मल से बने हैं, एक ही उनका मल है, एक ही मूत्र है, एक ही गुदा है, किस तरह से दोनों अलग अलग हैं। तो इन्होंने कहा कि इस पर इन्होंने लिखा है, कहा है या लिखा है कि एक मल एक मूतर एक गुदा, तू काहे को बामन हम काहे को सुदा। कहा कि जब एक ही हार है, एक ही मांस है, एक ही संरचना से हमारे, एक ही तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है तो तुम किस लिए ब्राह्मण हो, मैं किस लिए शूद्र हूं। अर्थात ईश्वर के बनाए हुए स्वरूप से हम मनुष्य क्यों अलगाव कर रहे हैं, अर्थात हमें जात पात का भेद त्याग देना चाहिए। कबीर का ये सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक था जो इनका समाज सुधार है। व्यक्तिगत साधना पर बल, कबीरदास जी
व्यक्तिगत साधना पर बल देते हैं, व्यक्तिगत साधना पर बल देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि साधना मनुष्य को व्यक्तिगत करनी चाहिए, स्वयं की शुद्धि करनी चाहिए। अपनी शुद्धि जब होगी तभी समाज के दूसरे लोगों की भी शुद्धि हो जाएगी। इसलिए मनुष्य को सदैव व्यक्तिगत साधना में रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने में साधक होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति अपने में जब साधक होगा तभी समाज का विकास होगा। तो व्यक्तिगत साधना पर ये बल देते हैं। अगला है जीवात्मा की आकुलता। जीवात्मा अगली विशेषता है, जीवात्मा की आकुलता। जीवात्मा क्या है? भटकती है। जीवात्मा व्याकुल है किससे? राम से मिलने के लिए। किससे व्याकुल है? सूरत समारी निरति में, निरति रही निर्धार, सूरत निरति परचा भया तब खुले स्वयं द्वार, अंखड़िया प्रेम कसाईरा लगो जाने दुखिया, सोई अपने कारण रोई रातणिया। नाम स्मरण पर भी बल देते हैं। अगली इनकी जो विशेषता है वो नाम स्मरण, नाम का स्मरण। नाम स्मरण इनकी एक और बड़ी विशेषता है काव्य की। नाम स्मरण पर बल देते हैं कबीरदास जी। क्या करते हैं? नाम स्मरण पर बल देते हैं। ज्ञानी संतों ने नाम स्मरण को अपनी साधना का एक विशिष्ट अंग माना है। सुमिरन सो मन लाइए जैसे नाद कुरंग, भक्ति भजन हरि नाव है दुख दूजा दुख अपार। भक्ति भजन ही हरि नाव है दूजा दुख अपार। दूजा दुख क्या है? अपार। मनसा वाचा कर्मणा सुमिरण सार। मन से वचन से आप किसको सुमिरेंगे? राम को सुमिरेंगे। किसको सुमिरेंगे? राम को। मनसा वाचा कर्मणा सुमिरो सार, अर्थात सार कौन है, तत्व कौन है? राम है। राम को तत्व कहा गया है। नारी माया के की प्रतिमूर्ति। कबीर जो है खैर नारियों के विरोधी नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग समझ लें कि नारियों के विरोधी थे कबीर। कबीर नारियों के विरोधी नहीं है। कबीर जो है नारी को माया का स्वरूप मानते हैं। नारी क्या है? माया का स्वरूप है। नारी माया की प्रतिमूर्ति। कबीर नारी को माया की प्रतिमूर्ति मानते हैं। कबीर का कहना है कि नारी माया की क्या है? प्रतिमूर्ति है। संत काव्य नारी की माया की प्रतिमूर्ति है। दोनों ही मनुष्य के उद्भव करती हैं और उनके सर्वनाश का आयोजन करती है। कबीर कहते हैं मनुष्य का जन्म भी नारी से होता है और मनुष्य का विनाश भी नारी से होता है। अर्थात मनुष्य का जन्म नारी से हो रहा है और मनुष्य की मृत्यु भी नारी से हो रही है। अर्थात नारी क्या है? माया की प्रतिमूर्ति। लालच है, युद्ध का कारण नारी है, वैमनस्य का कारण नारी है, हत्या का कारण नारी है, चोरी का कारण नारी है। कौन है सब में मूर्तिमान? कौन है प्रतिमूर्ति? कौन है? माया है। इसीलिए माया से दूर नहीं होना है बल्कि माया से सावधानी पूर्वक मिलना है। क्या करना है? सावधानी पूर्वक मिलना है। नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग,
कबीरा तिनकी कौन गति, तिन नारी के संग कबीरदास जी कहते हैं कि नारी की परछाई पड़ने से अंधा हो तो भुजंग सांप भी अंधा हो जाता है, उनकी क्या गति होगी जो मनुष्य सदैव नारी के संग ही है, जो 2400 घंटा नारी के संग है, माया के संग है, उसकी क्या गति होगी। ये कबीर की सबसे बड़ी विशेषता रही है। अगला है इनकी भाषा शैली। मैंने बताया था कि कबीर की जो भाषा है काव्य की विशेषताओं में ये इनकी ये जो है आपका इनका भाव पक्ष था। अब कला पक्ष में देखें, कला पक्ष में क्या विशेषताएं इनकी रही हैं, कला पक्ष की क्या विशेषताएं रही, भाव पक्ष है। अब कला पक्ष देखिए कि कबीर में कला पक्ष का विरोध किस तरह से, मतलब स्वरूप क्या है कला पक्ष का, तो कला पक्ष में आता है आपकी भाषा। भाषा शैली, भाषा शैली ये क्या है कला पक्ष। इसके पहले जो आप पढ़ रहे तो क्या था भाव पक्ष। कला पक्ष में भाषा शैली, अलंकार, रस, छंद इनका प्रयोग किया जाता है। तो कबीर की भाषा शैली क्या थी, कबीर की भाषा का स्वरूप एक नहीं कहा जा सकता, अर्थात कबीर की भाषा में, क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, साधुओं की संगत में रहते थे और विभिन्न स्थानों की यात्रा करते थे, इसीलिए कबीर की भाषा में भोजपुरी, अवधी, मिर्जापुरी, ब्रज आदि भाषाओं का स्वरूप दिखाई देता है। और यही कारण है कि इनकी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी कहा और किसी ने इनकी भाषा को पंचमेल कहा तो किसी ने खिचड़ी कहा, तमाम कहकर इनकी आलोचनाएं उड़ाई गई। लेकिन जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने आलोचनात्मक ग्रंथ कबीर लिखा, कबीर में बताते हैं कि कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, अर्थात ये वाणी के तानाशाह थे, जो चाहते थे वो भाषा से कहलवा लेते थे, सीधे बना तो बना, नहीं तो दरेरा ही देख। अलंकार विभिन्न विशेष रूप से कबीरदास के अलंकारों में इन्हें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का प्रयोग किया है। श्लेष भी मिलता है, श्लेष भी इनके अलंकारों में मिलता है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, जैसे पाणी ही तय हिम भया, हिम तय गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, कुछ कहा न जाए, रूपक अलंकार दिखाई दे रहा, कहीं पर उपमा दिखाई दे रहा है। उपमा का बड़ा ही मनोरंजक प्रयोग इन्होंने किया है, माया दीपक नरपतंग जैसे वाक्य बोल रहे। तो ये क्या है अलंकारों का इनका विधान है, इनका प्रयोग। रस भक्ति होने के कारण यहां पर शांत रस है, भक्ति में सदैव शांत रस होता है। और इसको एक और अलंकार आ गया जिसको विशेष मान्यता नहीं प्राप्त है, भक्ति विषयक रति बोलते हैं इसको, विषयक रति बोलते हैं, ये भी एक अलंकार है भक्ति रस, ये अलंकार होता है इसकी भी, मतलब भक्ति विषयक रति इसका मतलब होता है। और इसके बाद ये आपका है छंद। छंद कबीर ने दोहा विशेष रूप से प्रयोग किया है और दोहा प्रयोग किया है। इनका जो साखी है जो आपके पाठ्यक्रम में है, साखी जिसका अर्थ होता है साक्ष, यह जो है आपका लिखा गया है किस भाषा में, किस छंद में लिखा गया, दोहा में लिखा गया है। इसके बाद इन्होंने गेय पद का भी प्रयोग किया है, गेय पद का भी प्रयोग किया है। कबीर ने केवल एक ही ग्रंथ लिखा जिसके तीन स्वरूप दिखाई देते हैं, कबीर ग्रंथावली, ग्रंथावली इनका ग्रंथ है, इसके तीन भाग हैं, इसी को बीजक भी कहा गया है, बीजक। इसके तीन भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी।
रामायणी एक तरह से रामायण जैसी चीज पर ही लिखा गया, राम के गुणों का ही वर्णन है। सबद और साखी, साखी का अर्थ होता है साक्षी, जो आपके पाठ्यक्रम में है 0 से लेकर 100, मतलब आपका 01 पहले दोहे से लेकर 100 दोहे तक ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि इस कबीर से कौन कौन से प्रश्न बने हैं और उन प्रश्नों को कैसे कैसे आपको लिखना, ठीक है। ओके, नमस्कार।